काट नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो उसे झटपट से तेज करने के लिए अपने घर में कोई भी कप या मग लीजिए, उसे उल्टा कर लीजिए और फिर उसके पीछे के इस हिस्से पर चाकू को ऐसे चलाइए थोड़ी देर के लिए। इसे ऐसे ही चलाते रहिए दोनों तरफ से और फिर आप तुरंत ही देखेंगे कि आपके चाकू की धार तेज हो जाएगी और फिर से ये काटने में आसान हो जाएगा। अगर आपको घर में फ्रेश गार्लिक बटर बनाना है तो एक पैन में लो फ्लेम पर 1 टेबलस्पून बटर लीजिए और फिर इसमें 2 टेबलस्पून ग्रेटेड या फिर बारीक कटी हुई लहसुन डालिए। इसे थोड़ी देर सौते कीजिए ताकि लहसुन का कच्चापन थोड़ा निकल जाए और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। इसके बाद इसमें बाकी का बचा हुआ 100 ग्राम बटर या फिर आप जितना भी बटर यूज़ कर रहे हैं डालिए और साथ ही में मैं थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बटर पैन की गर्मी से अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से और इसे ठंडा होने के बाद किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी ताकि मेरा बटर तैयार हो जाए। सेट होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि बटर तैयार हो गया है। ये गार्लिक बटर है, फ्रेश होममेड गार्लिक बटर। अब आप इसे किसी भी अपने फेवरेट टोस्ट में डाल के इन्जॉय कर सकते हैं। भिंडी काटने के समय अक्सर थोड़ी चिपचिपी कटती है और उसमें से थोड़ी लेस भी छूटने लगती है, जिसकी वजह से भिंडी क्रिस्पी भी नहीं बनती है पकाने के समय। तो इसके लिए चाकू के दोनों तरफ नींबू को थोड़ा घिस लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, दोनों तरफ से नींबू को घिस लीजिए और उसके बाद भिंडी को काटिए। ऐसा करने से भिंडी आसानी से कट जाएगी और इसमें से कोई लेस भी नहीं छूटेगी। जब भी आप कोई भी क्रीम बिस्किट या फिर मीठे बिस्किट रखते हैं स्टोर करने के लिए किसी डिब्बे में, तो इसके लिए सबसे पहले डिब्बे या कंटेनर में 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए नीचे और इसे अच्छे से फैला लीजिए। फिर इसमें आप अपने कोई भी मीठे या फिर क्रीम बिस्किट्स भर लीजिए। इसके बाद इसे लिड से कवर करके आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसा करने से बिस्किट्स ज़्यादा समय तक के ताज़े और कुरकुरे बने रहते हैं। एक कटोरी में 1/2 कप नींबू का रस लीजिए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 चम्मच शक्कर के और फिर 1/2 चम्मच नमक का। इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसे मिलाने के बाद इसे किसी आइस ट्रे में इसे डाल के सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना चॉकलेट मोल्ड यूज़ कर रही हूँ आज। इसे अच्छे से भर के फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख दीजिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि नींबू, शक्कर और नमक के कितने अच्छे बर्फ़ तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर भी दिख रहे हैं। तो फिर गर्मियों में जब भी आपका नींबू पानी पीने का मन हो, बस इसे निकाल दीजिए, ग्लास में डाल दीजिए और इसके ऊपर आप सोडा या फिर पानी डाल सकते हैं और फटाफट नींबू शरबत इन्जॉय कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। पूड़ी या पकौड़ा तलने के समय तेल में चुटकी भर नमक डाल दें। इससे पकौड़ा कम तेल सोखेंगे, इससे आपकी तली हुई चीज़ों में ज़्यादा तेल नहीं आएगा और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। तो ये देखिए पकौड़ों में बहुत ज़्यादा तेल नहीं आया है, तो इसके लिए आप पहले तेल में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। हरी सब्जियां पकाते समय उसमें चुटकी भर शक्कर डालें और पकाएं। ऐसा करने से आपकी सब्जी का कलर हरा ही कायम रहेगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। रोटी के बर्तन में कुछ अदरक के टुकड़े डाल दीजिए सारी तरफ, ऐसे 3 से 4 टुकड़े इस तरह, और फिर ऊपर से कोई मलमल का कपड़ा रखिए और इसके बाद आप इसमें रोटियां रखिए। आप चाहें तो फॉइल में भी रोटियां रख सकते हैं और फिर इसे अच्छे से ढक करके इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी रोटियां ज़्यादा समय तक नरम और ताज़ी बनी रहेंगी। जब भी आप पराठा बनाते हैं तो कभी कभी पराठा बनाते समय बेलन बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है क्योंकि उसमें आटा चिपकने लगता है और आप पराठे को ठीक से बेल भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बेलन को 4 से 5 मिनट तक के फ्रिज में रख दीजिए और फिर पराठे को बेलिए। ऐसा करने से आपका आटा बेलन में चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास जामन नहीं है दही जमाने के लिए तो घबराइए मत। दूध को हल्का गर्म कर लीजिए, यानी कि कुनकुना कर लीजिए, जैसे कि आप नॉर्मली दही जमाने के लिए करते हैं। फिर इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। ध्यान रखिए कि 2 सूखी लाल मिर्च डंठल के साथ ही होना चाहिए। इसे इसमें डाल दीजिए और चम्मच के साथ ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि इसकी डंठल थोड़ी सी अंदर चली जाए। इसी तरह से आप 2 सूखी लाल मिर्च की जगह 2 हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी डंठल के साथ होनी चाहिए। फिर इसे ढककर किसी गर्म जगह पर 10 से 12 घंटे के लिए रख दीजिए। 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि एकदम अच्छे से जम गई है दही। ये देखिए ये दही बहुत अच्छी तरह से जम गई है, जैसे नॉर्मली जमती है। और मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मलाईदार दही है, ये बहुत अच्छे से जम गई है और ये मलाईदार दही जमी है। तो अगली बार अगर आपके पास जामुन नहीं हो तो आप दही इस तरह से जमा सकते हैं।
यदि किसी बर्तन में कोई खाना जल जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और फिर चाय पत्ती डाल दीजिए। फिर इसे थोड़ी देर उबाल दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर इस बर्तन को किसी डिटर्जेंट से धो लीजिए। ऐसा करने से आपका बर्तन फिर से साफ होकर नए जैसा चमक जाएगा। यदि आपकी फ्रिज में बदबू आ रही है तो उसे दूर करने के लिए एक नींबू को 2 भागों में काट लीजिए और फिर इसे फ्रिज में अलग अलग ट्रे में रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी फ्रिज में से बदबू गायब हो जाएगी। यदि आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा हो गया है और वो नॉर्मल तरीके से साफ नहीं हो रहा है तो इसे साफ करने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए और इसमें फिर डालिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसके अंदर कपड़ा या स्पॉन्ज जिससे भी आप साफ करते हैं उसे भिगा लीजिए। उसके बाद इस स्पॉन्ज से अपने फ्रिज की ट्रेस को साफ कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी फ्रिज की ट्रेस चमक उठेंगी। यदि अंडे उबालते समय आपके अंडे अक्सर फट जाते हैं तो परेशान ना होइए। अंडे को उबालने से पहले पानी में 1/2 चम्मच नमक डालिए और उसके बाद इसमें अंडे डालिए उबालने के लिए। ऐसा करने से आपके अंडे फटेंगे नहीं और बॉयल होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि अंडा फटा भी नहीं है और इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा।